क्या हाल है दोस्तों, मैं विकास तोमर आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पहला वीडियो लेकर आया हूँ। पॉलिटी हमारा जो है पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट था टेस्ट नंबर वन का। मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरीके से अपने पेड ग्रुप में टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। पहले स्टडी प्लान देते हैं, वो दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए यहाँ पे ये है हमारा मंथली स्टडी प्लान, ठीक है। मंथली स्टडी प्लान में इसमें हम लोग दे देते हैं किस तारीख को किसको ये टेस्ट होना, डेट से कब तक आपको पढ़ना है। पॉलिटी का टेस्ट होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। उस जो टेस्ट में आए थे वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पार्लियामेंट, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, अगर यहीं सिर्फ टॉपिक करके चला जाना है 8 आदमी कोई, तब भी जो है मैक्सिमम अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से मुझे लगता है कि 50% तो क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, एकदम इवन 60% तक आ सकते हैं, ठीक है। और किस डेट को टेस्ट होगा और बुक लिस्ट क्या है वो सब भी बताया जाएगा, कि वो फोकस किस पे होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और फैक्चुअल नॉलेज दोनों पर, ठीक। अब चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट है वो बायलिंगुअल है। आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए तो आप पॉज करिए, पॉज करने के बाद जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और फिर उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ फिर उसके बाद आंसर आपको बताया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा भी और बाद में शेयर करूँगा किस तरीके से हम लोग पेड ग्रुप में अपने आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन की PDF शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है सारा एक्सप्लेनेशन जो है विधिवत तरीके से बताया जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यूनियन टेरिटरी से, आपने टॉपिक देख लिए थे कौन कौन से थे, उसमें यूनियन टेरिटरी भी था। अब इसमें स्टेटमेंट पहले दे रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश भारत के संघीय ढांचे का हिस्सा है, क्या ये सही है। अच्छा पहले एक चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया करिए आप लोग। प्लीज़ जैसे लिखा हुआ, प्लीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन टेरिटरीज, जैसे कृपया केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जब आपने ये पढ़ा कि आपको इस समय आ गया यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन है, फिर आप दूसरी चीज़ देखा करो कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं पे इनकरेक्ट कर देता है, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं और सीधे यहाँ पे करेक्ट के हिसाब से मार्क करके आ जाएंगे, और अगर इनकरेक्ट पूछा है तो फिर हम लोग गलत होएगा, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो ये आपको नहीं करनी है, ठीक। यहाँ पे मैं ये भी फोकस करके चल रहा हूँ कि आपका जो है क्वेश्चन सब कुछ आते हुए भी गलत ना हो, ठीक है ना, क्योंकि 0.34 पे भी जो है कट ऑफ से आप लोग वंचित रह सकते हैं, ऐसा ना हो इसके लिए ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद फिर आप लोग जो है जब इसको आपने देख लिया, अच्छा करेक्ट पूछा है, फिर एक एक सेंटेंस को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए, और एक एक वर्ड पर ध्यान देते हुए पढ़िए, ठीक है ना। पहली रीडिंग में आप वो वाले क्वेश्चन सिर्फ मार्क करिए, मार्क्स साथ ही साथ चल करते रहिएगा OMR शीट पे जो आपको बिल्कुल कन्फर्म आते हो। दूसरे रीडिंग में वो वाले करिए जिसमें से चार ऑप्शन में से आपको पता है कि ये दो नहीं है, इन दो में से कोई एक है, ये दो मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है। 10 क्वेश्चन में अगर आपके 5 भी गलत हो गए, इन केस बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब हुई, तब भी आपके पॉजिटिव में रहेगा कि निगेटिव मार्किंग के बाद भी, ठीक। फिर तीसरी वाले में आप जब 4 ऑप्शन में से मान लीजिए आपको ये पता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, इन 3 में से 1 है, इसमें जब आपको ये लगे कि जो है यहाँ पे मेरे क्वेश्चन जो है वो 60% ही हो पा रहे हैं, मतलब 60 से 65 के बीच में हो पा रहे हैं इन दो रीडिंग के बाद, पहली और दूसरी के बाद, तो आप जो है इस वाले को करिएगा। मेरे हिसाब से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 65 से कम नहीं क्वेश्चन करने हैं और 85 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। देखिए प्लीज़ सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, बट इस तरीके से अगर आप करेंगे और आपने पढ़ा है ढंग से, ठीक, कोई भी 100 में 100 क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इवन जब आप क्वेश्चन पेपर दे के आते हैं प्रीलिम्स का, तो आपने देखा होगा कि कई सारी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी आंसर डिफर कर जाते हैं किसी किसी क्वेश्चंस पे। सो नोबडी कैन डू द 100 क्वेश्चंस, नोबडी कैन, जो एग्जामिनर्स हैं वो भी नहीं कर सकते, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक, यूपीएससी के। तो इसलिए 65 मिनिमम 65, अब जैसे 2018 वाले में जो है अगर, क्योंकि 2019 का तो अभी कट ऑफ आया नहीं है, 2018 वाले में अगर किसी ने 65 भी क्वेश्चन किए होते तब भी उसका हो जाता, चाहे नेगेटिव उसके 10 हो जाते हैं इस तरीके से। और वैसे भी जिसने 85 भी किए होंगे उनका भी हो गया होगा, बट क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था तो 65 करके भी हो सकता था। मुझे लगता है 80 से 85 के बीच में जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, 80 से 85 के बीच में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए,
ठीक। तो तीसरी रीडिंग में आप तब अगर आप 61 ही हुए हैं, आपको लग रहा है पेपर थोड़ा कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए। ठीक, तो थर्ड वाली कर लीजिए, और फिर आखिरी वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसके बारे में कुछ भी हवाएं लगती, उनको अगर आप छोड़ ही दें तो अच्छा, नहीं तो निगेटिव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे लगा ये पहले बता दिया जाए, अब जो है क्वेश्चन करा जाए तो आसानी होगी। अब मतलब क्योंकि ये पहला टेस्ट है तो आपको जो है सारे पता होना चाहिए कैसे क्या आपको करना है, और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको यहाँ पे देखते चलूँगा। तो यूनियन टेरेटरी से यहाँ पूछा गया, यूनियन टेरेटरी क्या हमारे पार्ट हैं फेडरल स्ट्रक्चर के? बताइए फेडरल स्ट्रक्चर के पार्ट कौन होता है? एक तो होता है सेंटर, और दूसरा होता है स्टेट्स, राज्य सरकार। ठीक, यूनियन टेरेटरी तो सेंटर का ही पार्ट है ना, तो फेडरल स्ट्रक्चर में थोड़ी ना आएगा। दूसरा स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप सीधे यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि पहले तो तीनों में ये हो गया, तो आंसर इसका डी होगा। ठीक, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। यूनियन टेरेटरी कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अंडर द प्रेजेंट रूल? नहीं, स्टेट्स को लाया जा सकता है। एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज देयर इन केस ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एट प्रेजेंट वो है आपका दिल्ली में, पुदुचेरी में और अंडमान निकोबार में, अब इसमें नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पहले पहले तो ये स्टेट था, अब ये यूनियन टेरेटरी बन गया, इसमें लेजिस्लेचर भी होगा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये एक अपवाद है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट डाला हुआ है, एक एक्सेप्शन है कि अंडमान निकोबार में है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, बाकी जगह कौन होता है हेड ऑफ यूनियन टेरेटरी? एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कौन अपॉइंट करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अब इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो प्रमोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, कौन इनमें से कौन सी सुविधाएं संवैधानिकता को बढ़ावा देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब यह है कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में की मतलब सुप्रीमेसी टाइप से हो, ये आप समझ लो। ठीक, तो इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल करते हैं। ठीक, रूल ऑफ लॉ, हाँ क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक, सबसे बड़ा लॉ होता है, तो हाँ अब रूल ऑफ लॉ होगा तो भाई ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक, इसके बाद आपका आगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या होता है? लॉ को जो है इन्फोर्स कराना। ठीक, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है, तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो किसी की प्रेशर में आएगी नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। और फिर चौथा स्टेटमेंट है लार्ज डिस्क्रिशनरी पावर विद द एग्जीक्यूटिव। नहीं, ये गलत है। अगर वही मैंने अभी यहाँ पे कहा ना, एग्जीक्यूटिव जो मतलब सरकार है, कार्यकारी के साथ बड़ी विवेकाधीन शक्तियाँ, अगर इसके बाद बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई तो क्या होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश करने लगे, कि जैसा कि 42वें संवैधानिक संशोधन में हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं इसको, इतने ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई थी, करे भी गए थे। सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ बिल्कुल है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ने में बल मिलता है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? सिर्फ एक ऑप्शन गलत है ना, फोर और फोर किसमें नहीं, इसमें बाकी सब सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइए। ठीक, अब आगे जो है इसमें पढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि वेलफेयर स्टेट विच ऑफ, इसमें पूछा निम्नलिखित में से किसे कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है इसमें से बताइए? कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या ये है? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो आपको बिल्कुल ऐसा ऑप्शन हो जो पूरा कंप्लीट उसके जो है वो कर रहा हो, मतलब उसको जो है पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, उसी को किया करिए। तो दूसरा है कि प्रोवाइडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, ये है क्या बताइए? लीविंग मार्केट फोर्सेस टू टेक देयर ओन कोर्स, मार्केट फोर्सेस वेलफेयर स्टेट, ये क्या ये इसको करेगा कि डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ हो जाए, प्रॉफिट पे ही सब कुछ हो जाए? नहीं, तो इसलिए बचा आपके पास ऑप्शन डी, जो कि ये बताता है मेकिंग पब्लिक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक प्रावधान बनाना, ये होता है वेलफेयर स्टेट का काम। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जो वीकर सेक्शन हमारे हैं सोसाइटी में, उनको बिना किसी हेल्प के जो है आगे बढ़ावा नहीं दिया सकता। तो क्या है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कि उन लोग जब उसको पुश कर देंगे, उनको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, जैसे सब्सिडी है आजकल, रिजर्वेशन का भी जो है मतलब आप देख रहे हैं, ठीक, ये सब देते हुए उनको एक पुश कर दें, ताकि वो फिर एक लेवल पे आके
वो भी अपनी काबिलियत दिखाते हुए आगे बढ़ सकें। अदरवाइज़ क्या है कि वो गरीब हो रहेंगे, फिर उनके सामाजिक जो है उनके साथ अन्याय जो होते हैं वो भी होते रहेंगे, तो कभी भी वो अपने दम पे नहीं उठ सकते हैं। इसलिए वेलफेयर कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है। अब बढ़ते हैं अब अगले अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 पे आपको जो है चौका लगा देना है बहुत बढ़िया से, आंसर पहले ही बता देना है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि क्वेश्चन पढ़ा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, संविधान, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, ये क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद सीधे देखे कि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ तो मैंने हाईलाइट किया है, वहाँ पर यूपीएससी हाईलाइट नहीं करता है, तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा हुआ। फिर एक एक स्टेटमेंट पर चलिए कि इसमें बोला गया, इट इज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद ए लिटिल स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। क्या ये सही है बताइए, लिटिल स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा सही है क्या? नहीं, गलत है। उसी तरीके दूसरा स्टेटमेंट है कि इट रिकॉग्नाइजेज ए मल्टी लेवल गवर्नेंस सिस्टम विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट ऑल लेवल। बिल्कुल सही बात है, यूनियन है, फिर स्टेट है, फिर लोकल बॉडी मतलब जो है स्थानीय निकाय जो हैं, ठीक है ना, लोकल बॉडीज हो गई, पंचायत हो गए, तो ये बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट किसमें किसमें है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है, और ये ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बचा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो उसका मतलब पहला वाला तो गलत ही आपने देख लिया है, तो तीसरा अगर आपको पता है कि गलत है कि नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन दो ऑप्शन में से कोई एक है, ठीक। तो ये मैंने बताया था ना सेकेंड रीडिंग में कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो ई ए वाले इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से एक कोई एक आंसर है, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट सॉरी, ओनली दोज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैन बिकम मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। नहीं, क्या मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो क्या नहीं सरकार का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल बनते हैं, ठीक है ना, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो भी सरकार मंत्रिमंडल में आ सकता है, तो इसलिए जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक, समझ में आ रहा है ना। आंसर जो है आप पॉज करके आप लोग बताया करिए कि इसका मतलब कमेंट में लिखकर कि ये वाला आंसर है, ठीक, अटेम्प्ट करिए। अब इसमें ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है कि इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम और ना ही वहाँ के प्रावधानों में से किसी भी इस आधार पर शून्य माना जाएगा कि इस तरह का अधिनियम या प्रावधान संविधान में उल्लिखित अधिकारों में से किसी के साथ असंगत या अपमानजनक है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, क्या मतलब इसमें ये पूछा गया उपरोक्त प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान से संबंधित है, तो आर्टिकल 31B है क्या इससे संबंधित है, ठीक, IR कोहले वाला जो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है क्या इससे संबंधित है, बिल्कुल है, अभी समझाता हूँ। शेड्यूल 9 क्या इससे संबंधित है, बिल्कुल है। भूमि सुधार अधिनियम संबंधित है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक। आप समझिए इसमें जो है पहली बात तो ये देखा आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31B क्या बताता है कि जो जो भी लैंड रिफॉर्म एक्ट या फिर इस तरीके के जो भी जमींदारी को हटाना इस तरीके के जो भी लॉ थे वो इस 31B के आर्टिकल के अंतर्गत शेड्यूल नंबर 9 में डाल दिए गए थे ताकि इनका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि आर्टिकल 31B भी है, लैंड रिफॉर्म एक्ट भी है, और शेड्यूल 9 में डाला जा रहा है। और इस चीज़ को आयर कैलो वाले जो केस में ये कहा गया था कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, रूल किया था कि ऐसा है कि आप ये कह तो रहे हो 31B में डाल दिया तो आप जो है कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, लेकिन इस वाले केस में आयर कैलो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और कब से हो सकता है, 24 अप्रैल 1973 के बाद से, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया था और बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी, मतलब कि मूल संरचना जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको बदल नहीं सकता, और उसमें ये फिर बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने बताया कहा था जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरीके के आर्टिकल वर्टिकल बना के जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में संशोधन करके भी जुडिशियल रिव्यू को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मूल संरचना है हमारे संविधान की। समझ में आया पूरा एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस।
ठीक। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के पास समान, राज्यसभा के पास लोकसभा के साथ सह समान शक्तियां हैं, किस केस में? यूनियन गवर्नमेंट के रिमूवल में, इन रिकमेंडिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस? नहीं, इसमें तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 312 इन द मेंबरशिप ऑफ एस्टिमेट कमेटी। नहीं, इसमें तो राज्यसभा के मेंबर होता ही नहीं है। उसके बाद जो है आगे कौन सा है ऑप्शन है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए दोनों ही लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही हाउसेस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसको पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी पता है ना कि जो है पूरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा। ठीक, 272 जैसे लोकसभा में अगर अगर हम एग्जाम्पल लें। और दूसरा, 2/3 लोग जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग करने चाहिए। ठीक, तो किसी भी केस में 272 होने चाहिए। उसके बाद जितने लोग भी हैं उनमें से 2/3 मतलब 66% लोग जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग कर दें फेवर में, तभी ये पास हो पाएगा। इसी कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब इसका आंसर कौन सा था? डी हो गया था। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ठीक, इसमें ही पूछा गया कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है और उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो संसदीय के सामने कौन सी होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए? अब इसमें देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे 1 के सामने जो है 2 बार बी दे रखा है, 1 बार सी दे रखा है, 1 बार डी दे रखा है। तो आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें आपने पार्लियामेंट्री को जोड़ लिया कि अगर ये इस फॉर्म और गवर्नमेंट में जो है सबसे एसेंशियल फीचर क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो जो कि कौन से आर्टिकल में दे रखा है? अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 75। ठीक है ना, तो 75 अनुच्छेद में दे रखा है। अगर आपने ये देख लिया तो आपको पता लगेगा कि अच्छा फर्स्ट का डी है, तो फिर सेकंड का कौन सा हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा एसेंशियल में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि जो लेजिस्लेचर बनते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उन्हीं में से मंत्रिमंडल भी चुन के आता है ना, जो जिसको बोलते हैं काउंसिल मिनिस्टर। तो जो है इसमें जो है वो जो लोग लेजिस्लेचर के होते हैं वही लोग जो है आपके सरकार भी बना लेते हैं। फिर थर्ड का बी बताया गया है। थर्ड का बी क्या है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब संघीय प्रणाली में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है ना। आर्टिकल आपने देखा होगा 244, इस आर्टिकल से बना है शेड्यूल 7। देख रहे हैं, एक एक चीज़ मैं आपको इतने अच्छे समझा दे रहा हूँ, दूंगा एक्सप्लेनेशन कि आपको यही याद हो जाए बस वीडियो देख कर। ठीक, तो 244 के अंदर जो है शेड्यूल 7 दे रखा है। शेड्यूल 7 में क्या है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो इस कंकरेंट लिस्ट है, तो इसमें ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि ये हिस्सों पे आप जो है इन्हीं सब्जेक्ट्स पे आप यूनियन जो है अलग कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट अलग कानून बना सकती है, इनका विशेषाधिकार है यहाँ पे। ठीक, कंकरेंट पे तो दोनों ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, शक्तियों का वितरण किया गया है ना। और फिर चौथा सिस्टम क्या है? यूनिटरी सिस्टम जो है, ये भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये देखिए ये वाले अलग से भी पूछ सकता है क्वेश्चन सिर्फ इनके बारे में एक्सक्लूसिवली, लेकिन यहाँ इस सारे को चारों को एक साथ ले लिया तो आपको चारों ही पता लग गया। आप क्वेश्चन में चाहे इस तरीके से आ भी जाए तब भी आप कर लोगे। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, जो केंद्र सरकार होती है उसी में सारी पावरें सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, स्टेट के पास में राज्यों के पास में ज़्यादा पावर नहीं होती है। ठीक, तो इस तरीके से आंसर इसका हो गया कौन सा? आंसर हो गया डी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछा गया, अब जैसे ये पढ़ा फिर इसके ऊपर देखिए। हाँ करेक्ट पूछा गया, फिर स्टेटमेंट पे जाइए। स्टेटमेंट कहता है कि जो चेयरमैन है, ठीक, राज्यसभा के अध्यक्ष और सदस्यों को घर के सदस्य बनने के लिए समान योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, क्या ऐसा है? द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है उसके पास सेम फुलफिल करनी पड़ती है सेम क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस। अब आप दूसरी लैंग्वेज देखिए, इनडायरेक्टली पूछता है यूपीएससी, उसी हिसाब से बताया। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो कौन है? वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, और जो बाकी राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो एमपी जो कहलाते हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशन अलग होती है और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन अलग होती है, तो दोनों सेम नहीं हुई ना, इसलिए स्टेटमेंट
गलत हो गया। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द स्पीकर एंड मेंबर ऑफ लोकसभा, वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि जो पीठासीन अधिकारी है लोकसभा का और जो मेंबर हैं, उन दोनों की क्या सेम क्वालिफिकेशन होती है? हाँ बिल्कुल सेम होती है। ये आपको पता ही, जो स्पीकर होता है वो एमपी ही में से तो चुन के स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होता है उसका तो इलेक्शन ही अलग होता है, उसकी क्वालिफिकेशन ही अलग होती है, तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए? बी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरीज से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूनियन टेरिटरी किसमें से कौन से ऐसे हैं ये सारे यूनियन टेरिटरीज से जिनके पास अपने ओन हाई कोर्ट प्लेस्ड हैं उनकी अपनी लोकेशन पर? तो क्या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो है उसके हाई कोर्ट वहीं पे प्लेस है? बताइए। दिल्ली हाई कोर्ट तो खैर आप सबको पता ही होगा कि 30,000 ही वहीं पे उनका हाई कोर्ट है अपना, दिल्ली की लोकेशन के अंदर ही। ठीक, पुदुचेरी का है क्या बताइए? चंडीगढ़ का है क्या? तो इसमें पुदुचेरी का जो है वो मद्रास में है, चेन्नई में, मतलब मद्रास मतलब तमिलनाडु में है। ठीक, बाकी चंडीगढ़ का भी वहीं पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है अगर हम फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो, और यहाँ पे क्या पूछा गया है? करेक्ट। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट प्रिजर्व्ड है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है लिखित वाला, कोडिफाइड वाला, वो कहाँ पे प्रिजर्व ज़्यादा है, अच्छे से उसकी संरक्षण हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सब सुप्रीम होगा तभी तो उसकी जो है वो बचा रहेगा ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद है सुप्रीम ऑफ लेजिस्लेचर, नहीं ये नहीं, ये गलत हो गया। क्योंकि अगर लेजिस्लेचर सुप्रीम हो गया, जैसे कि यूके में है, और यूके में आपको मालूम है कि वहाँ पे जो है कोडिफाइड या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो लेजिस्लेचर जो भी चाहता है वो तुरंत ही उसमें खूब अमेंडमेंट भी कर लेता है, वो मतलब जो चाहता है, क्योंकि वहाँ कोडिफाइड है ही नहीं, तो सारा जो वो बोलता है वही संविधान हो जाता है। ठीक, बल्कि इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाँ बिल्कुल है, इसी टाइप का हमने क्वेश्चन उपयोग किया है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। अब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तो कौन से ऑप्शन बचे? ऑप्शन बचा आपके पास पहला तीसरा किसमें किसमें, इसमें और सी में और डी में। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट आपको पता है कि गलत है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल लॉज एंड कन्वेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा हो गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का तो प्रिजर्वेशन ही नहीं हुआ ना, जब चाहो तो संशोधन कर लो, जब चाहो तो बदल डालो उसे। ठीक, इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जिसका नाम है 11, 1 और 1 11। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि कौन से इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताइए। तो इसमें पूछा गया है जो स्पीकर है लोकसभा का वो फाइनल अथॉरिटी होता है टू सर्टिफाई ए बिल एज मनी बिल। आर्टिकल कौन सा है? 110। मनी बिल को सर्टिफाई करने के लिए जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो उसको सर्टिफाई करता है। क्या सही है स्टेटमेंट? हाँ सही है। ठीक, नो सच सर्टिफिकेशन कैन बी जुडिशली रिव्यूड इन एनी कोर्ट। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्पीकर बोल दे कि मनी बिल है तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता क्या? क्या न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसलिए अगला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? बचा ए, ठीक है ना। और ये आप अभी रिसेंटली ये आया हुआ था, आपने देखा होगा, आधार एक्ट को सरकार ने एज ए मनी बिल पेश किया था। ठीक, मनी बिल की तरह इसको पेश किया था, तो इसका जुडिशियल रिव्यू हुआ था ना, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है साथ दिया था, मतलब बोल दिया था कि ये वैलिड है एक्ट, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं क्या चीज़ कि जस्टिस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों ही होने चाहिए। तो आपको सबको पता है कि प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में ये तो डायरेक्टली दे रखा है। ठीक, लेकिन कैच कहाँ पर है, ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो लोग हैं प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दे रखे हैं उनको एज इट इज़ पढ़ा करिए, ज़रूरी है, क्योंकि
क्योंकि वो देखिए लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत से प्रायोजित नहीं है आपका, स्पॉन्सर्ड नहीं है कौन, यूपीएससी। यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा डायरेक्टली जो है बेयर एक्ट से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वहाँ पे इसलिए ये पूछा गया कि ये वाले शब्द कहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये वाले शब्द देखिए प्रेम्बल में मेंशन्ड है, सबको पता है, लेकिन डीपीएससी में भी, डीपीएसपी में भी मेंशन्ड है, कौन से आर्टिकल में, एक बार पढ़िएगा, आर्टिकल नंबर 38 सब क्लॉज 1। ठीक, तो इस तरीके से 1 और 3 सही हो गया, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बताता है कि एक कि आपको यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट पूछा गया है, रेजोल्यूशन डिमांडिंग बाइफरकेशन ऑफ ए स्टेट, किसी स्टेट को अगर विभाजन करना है, अगर ये पास कर दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर से, तो वो बाइंडिंग हो जाता है यूनियन गवर्नमेंट में, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल नंबर 3 पढ़ लीजिए, जो संसद के पास में पावर है वो बहुत ज़्यादा पावर है, पूरी पावर उसके पास है। हम अगर विभाजन हो भी रहा है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, अगर हम स्टेट से पूछते भी हैं तो वो कोई बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं होती है, वो अगर बोल भी दे कि नहीं करो तब भी जो है पार्लियामेंट जो है उठा कर सकता है, आप मतलब उसमें कोई स्टेट के पास ऐसी पावर है नहीं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है, एनी लॉ पास टूवर्ड्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ इस पैसेज, क्या स्पेशल मेजोरिटी लगती है संसद में, नहीं, सिंपल मेजोरिटी लगती है, मतलब 50% ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग शामिल, मतलब मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं 50% से ज़्यादा, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हो सकता है। अभी आपने ये चीज़ देखी होगी जब ये तेलंगाना और आंध्रा अलग हुए थे, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक, तो ऑप्शन हो गया डी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या होता है, क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट कंसिडर करने को पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, देखिए इसी तरीके से करिएगा वहाँ पे, ठीक है ना, ये आदत में आ जाएगा ना, तो फिर वहाँ पे आपको नई नई चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, आपको मतलब एक प्रोसीजर बना हुआ है जिसमें आप कर रहे हो। इसमें कहा गया है कि प्रेम्बल वॉज द लास्ट डॉक्यूमेंट टू बी अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, कम मिलता है आपको देखने को, तो यहाँ पे एज ए इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह के क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग वहाँ पे कर लो। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज अडॉप्टेड इन द लास्ट सो दैट इट कुड बी मॉडिफाइड, इसमें चेंज किया जा सके फॉर ब्रिंकिंग कन्फॉर्मेंस विद द अदर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आखिरी में इसलिए अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सही है, और इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। ये इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट का मतलब ये भी, हमारे मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपके नंबर जो है किसी मतलब ना करें, गुस्सा जाए हम लोग और ऐसा क्वेश्चन बनाए कि आप लोग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में ऐड करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 यूनियन टेरेटरी वाला फिर आएगा, और इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट बताओ कौन सा स्टेटमेंट है। तो फोर्थ शेड्यूल जो है आपका, फोर्थ शेड्यूल मेंशन करता है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, नहीं, फोर्थ शेड्यूल ये बताता है कि राज्यसभा में राज्यों की कितनी सीटें हैं, जैसे यूपी में 31 सीटें हैं भाई साहब। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि रिसेंटली 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिस वॉज पास टू मेक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, का ऐसा हुआ है क्या, नहीं, गलत है। एक ईडब्ल्यूएस को जो है 10% जो है अप टू 10% जो है रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। अच्छा, अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि 104वें कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन की जरिए क्या किया गया है। ठीक, अब अगला स्टेटमेंट है थर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक रेगुलेशन फॉर ऑल यूनियन टेरिटरीज, ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि इसमें भी एक अपवाद है। ठीक है ना, तो इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हर जो कर सकते हैं रेगुलेशन बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 240 फॉर ऑल यूनियन टेरिटरीज, फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज नॉट ऑल, ठीक है ना, 240 अनुच्छेद के अंतर्गत सारे यूनियन टेरिटरी के में नहीं रेगुलेशन ही कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे आपका लेजिस्लेचर है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बात है ये कहने की। ठीक, इनडायरेक्टली पूछता है यूपीएससी, समझ को चेक करता है कि आपने पढ़ के कितना क्या समझा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट अब आखिरी बचा, तो ये सही है, सही है, लेकिन लोगों को डाउट था इसमें कि प्रेजेंटली देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, क्या 8 हैं कि 9 हैं, क्योंकि
जम्मू एंड कश्मीर और जब ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जब दो यूनिटरी टेरिटरीज बन गई थी तब 9 हो गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए फिर से जो है इस यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक, समझ में आ गया। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन साथ ही साथ जोड़ते चल रहे हैं इसमें, तो उसका ऑप्शन डी हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 16। 16 में फिर प्रस्तावना की बात की गई है कि ये इंडिकेट करता है द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट अथॉरिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने ये पहले पढ़ा, फिर देखा करेक्ट पूछा गया, फिर हमने देखा स्टेटमेंट, हाँ ठीक लग रहा है स्टेटमेंट, तो पहले इसको रख लेते हैं। हाँ ठीक है। इट एड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस। ये संविधान की व्याख्या में सहायता करता है जहाँ भाषा अस्पष्ट पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात कही है, ठीक है ना, ये भी सही है। और इट इज़ बाई इट्सेल्फ इन्फोर्सिबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं है, जिस तरीके से हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार जो है, उस तरीके से नहीं है ये इन्फोर्सिबल। ये उसी तरीके से है प्रस्तावना, जिस तरीके से क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, DPSP है, जो कि पार्ट 4 में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 ए फर्स्ट और सेकंड गलत सही हो गए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ए। ठीक, समझ में आ रही ना बातें, कमेंट करके बताते चलिए। अच्छा अगला अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब थोड़े से जो है UPSC के टाइप के क्वेश्चन जो पहले पूछे भी गए हैं उसी के पैटर्न पे। ठीक, जो यहाँ पे पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बताइए कि राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस का मीन्स क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे इंटरप्रिटेशन निकालने की बात पूछता है, वहाँ पे आपको जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी बात कह रहा हूँ उन्हीं को चूज करिएगा। तो पहला वाला दे रखा है कि राजनीतिक क्षेत्र में आदमी और आदमी के बीच मनमानी अंतर के अनुपस्थित, मतलब क्या है कि यहाँ पे एब्सेंस है, अनुपस्थित है। ठीक, दूसरा ये है कि वन मैन और वन वोट है क्या, हाँ बिल्कुल है भाई, आर्टिकल 325 और 326 आप पढ़िए, उसमें एक आदमी एक वोट की बात करी जा रही, तो ये राजनीतिक न्याय है ना। ऐसा थोड़ी ना कि मुकेश अंबानी के पास जितने पैसे हैं उतने उनके पास वोट हैं, उनके पास भी एक वोट है और गरीब से गरीब के पास भी एक वोट है, तो पॉलिटिकली दे आर सेम, तो ये जस्टिस न्याय है ना उनके साथ। ठीक, तो उसके बाद थर्ड वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि इक्वल एक्सेस टू ऑक्यूपाई ए पब्लिक ऑफिस, बिल्कुल सही बात है, कोई भी आदमी यहाँ पे हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कहने का ये नहीं है कि कोई भी आरा गहरा, मतलब जो भी कोई भी बन सकता है, और जो बने हुए हैं वो सब अच्छे डिग्निटरीज हैं अपने, हमारे जो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट भी कोई भी बन सकता है। तो इसी तरीके से 17वें वाले में तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब पहले पॉलिटिकल जस्टिस पूछा था, अब हम क्या बोल लेंगे आपसे, सामाजिक जस्टिस। अब देखिए इसमें जो है एक ये दो दो शब्द दे रखे हैं, अब आपको एक एक करके चूज करना, और जो पूरा कंप्लीटली इसको जो है वो करता हो है एम, मतलब कम्प्लीटली इसको जो है फेवर करता हो, उसी को चूज़ करिएगा। तो क्या सोशल जस्टिस पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है, नहीं। क्या ये रिलीजियस इक्वलिटी की बात करता है, नहीं। इक्वल स्टेटस की बात करता है, अब इस वाले में, और सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन सोशल जस्टिस की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ सामाजिक और आर्थिक सुधारों के द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच असमानताओं को दूर करना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से राइट टू फूड, शेल्टर, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ आर सम ऑफ द एरियाज वेयर स्टेट इंटरवीन्स बाय सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बाय रनिंग वेरियस स्कीम। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएटली और कंप्रिहेंसिवली समग्रता से इसको फेवर कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं कि जो वॉयलेशन है रूल ऑफ लॉ का वो कहाँ से अराइज होता है, ठीक, मेनली फ्रॉम। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इसी टाइप का है इंटरप्रिटेशन वाला, तो इसमें आपको देखना है क्या ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज से होता है, मतलब जितने लोग हैं हमारे मताधिकार, क्या अगर रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो क्या वॉयलेशन होगा, बताइए। ठीक, दूसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से, ये क्वेश्चन डायरेक्टली UPSC ने पूछा था 2018 में कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है, मैं वहाँ पे लाइव चैट में आपको बताऊंगा इसका। ठीक है, तो प्रतिनिधि कानून, ठीक है ना, उसके बाद ये है कि नहीं है, ये इससे वॉल्यूशन हो रहा है क्या। फिर तो उसके बाद जो है तीसरा बोलता है कि जो एग्जिस्टेंस है
ऑफ क्वासी जुडिशियल पावर्स विद द एग्जीक्यूटिव। तो हाँ, ये जो चीज़ है इससे वॉल्यूशन हो रहा है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि रूल ऑफ लॉ इज़ मोर लाइकली टू बिकम विक्टिम इफ देर इज़ नो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये किस आर्टिकल में कहता है? भी आर्टिकल नंबर 50 को पढ़िए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है, सरकार जो है, वो अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो रूल ऑफ लॉ का जो है वॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें पूछा गया है कि बाइकैमरलिज्म जो है द्विसदन द्वारा, ये किस पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम बाई, कौन से एक्ट से इसमें किया गया था? तो इसमें किया गया था आर्टिकल नंबर, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के जरिए जो है आपके जो है दो सदन बना दिए गए थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज का लोकसभा है उसको उस समय केंद्रीय विधानसभा बोलते थे। ठीक, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है तब भी था और आज भी है, राज्यसभा का उसमें बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिड नॉट मेंशन। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड में लिख दिया, लेकिन वहाँ पे हो सकता ना लिखे। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मेंशन नहीं करता था क्या फंडामेंटल राइट्स? ठीक, मौलिक अधिकारों को कौन नहीं मेंशन करता था? अब ये किससे आ रहा है ये वाले क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाले से, बिल्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो हैं उस वाले टॉपिक से आ रहे हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है स्टेटमेंट नंबर, ये आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ये क्या ये सही है? मतलब इसमें मेंशन था क्या? नहीं मेंशन था। नेहरू रिपोर्ट में क्या मेंशन था क्या बताइए? मेंशन था क्या? नहीं मेंशन, मतलब बिल्कुल मेंशन था। इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में, और कराची रेजोल्यूशन जो लिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1931 में, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, क्या इसमें फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी? हाँ करी गई थी। तो अभी तक कौन सा एक ऑप्शन इसमें नहीं करी गई थी? साइमन कमीशन में, तो साइमन कमीशन में नहीं करी थी। तो तीन ऑप्शन है आपके पास। ठीक, और लेकिन अभी आपके पास मालूम है आपको कि दूसरा और तीसरा जो है उसमें करी गई थी, तो दूसरा और तीसरा जो है, या दूसरा इसमें भी है और तीसरा इसमें भी है, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बचा चौथा, जिसमें ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 थी, क्या इसमें फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी? नहीं करी गई थी। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है अवेलेबल है किसी के पास अंडर आर्टिकल 91, तो वो किस 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 केसेस में रिस्ट्रिक्ट किया सकता है? अभी आर्टिकल नंबर 19 का जो 2 है उसमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करी गई है, एब्सोल्यूट नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करी गई है। ठीक, तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ है कि सडिशन के उसमें हो सकता है क्या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फंडामेंटल राइट जो 1901 में दे रखा है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली जो बात है, वो क्या इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सडिशन के उस पर? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है क्या सडिशन? बिल्कुल है। डिफेमेशन है क्या? बिल्कुल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2008 वाला, उसमें है क्या? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, क्योंकि जो इसके अंदर एक सेक्शन था 66, ठीक, आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, उसके अंदर एक 66 एक्ट था, श्रेया सिंघल वाले केस में इसको हटा भी दिया गया, इसको इनवैलिड घोषित कर दिया था, वॉइड घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता था मीडिया पोस्ट वोस्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन करता था। ठीक है ना, तो इसको जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी। फिर आगे बहुत ही सरल सा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडेक्स वाले क्वेश्चन पूछता है ये कौन पब्लिश करता है? तो ये करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना, इसको जो है इसका नाम और भी है, इसको फ्रेंच में बोलते हैं रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया है, पहले ही देखिए करेक्ट स्टेटमेंट और फिर क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड गारंटी करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड फॉर ऑल द पीपल। क्या ऐसा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ ये किसमें आता है? आर्टिकल 14 में आता है। तो क्या वो सबके लिए कहता है कि सब बराबर हैं लॉ के सामने? इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं क्या?
सबके सारे इस कंडीशन में सबके लिए करता है क्या? नहीं करता। आपने एक बार सुना होगा एफर्मेटिव एक्शन, या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आसान भाषा में रिजर्वेशन। ठीक, तो ये जो है रिजर्वेशन, हर इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है ना, इनके लिए थोड़ा सा अलग से कानून में रियायत दी गई, करी गई, ताकि ये लोग जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सकें, और आगे जाके देश एक सामाजिक न्याय और वो सबको करते हुए वेलफेयर स्टेट की बात करी हुई होती है। ठीक, अगला स्टेटमेंट है कि आपका फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं एम्पिल स्कोप फॉर द एफर्मेटिव एक्शन, वही बात जो मैं कह रहा था। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही था। क्वेश्चन नंबर आ गया 25, इसमें फिर से यूनियन टेरेटरी की बात आ गई। यूनियन टेरेटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब ये है, कभी कभी को पूछ लेता है कि बताओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो इसलिए मैंने इस तरीके का भी क्वेश्चन बनाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है यूनियन टेरेटरी आती है। ठीक है ना, अभी आपने देखा भी होगा जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाई गई, तो हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने आके जो है उस पर संसद में भाषण दिया था। ठीक, वह मतलब विधेयक वाला जो विधेयक था, बिल था, वो उन्होंने रखा था। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इज मेड द हेड ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, जहाँ पे भी लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, तो क्या वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सब में ही होंगे? नहीं, सब में नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार में भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। वहाँ पे लेजिस्लेचर होने के बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 25वें का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 26वां। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, जो राइट्स ये दे रखे हैं वो नहीं फ्लो होते हैं किससे? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 14 से लेके कहाँ तक दे रखा है, 18 तक दे रखा है। तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन से नहीं आते हैं ये पूछा गया है। ठीक, तो पहले बात तो है कि राइट टू प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ये दिया गया है क्या इसके अंदर? हाँ बिल्कुल दिया गया है। ठीक, इसमें नहीं वाला पूछा गया, तो यहाँ आप इसको टिक कर दो। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, हाँ दिया गया है, आर्टिकल नंबर 16, और ये था आर्टिकल नंबर 15, ये आर्टिकल नंबर 16 की बात कर रहा है। फिर तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ सिविल राइट्स, वो आर्टिकल 17 है ना जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात करता है, तो हाँ बिल्कुल ये भी दिया गया है। फिर चौथा बताता है कि राइट अगेंस्ट मल्टीपल पनिशमेंट, क्या ये वाला ऑप्शन सही है क्या? नहीं, ये वाला नहीं होता है, और इसीलिए नहीं पूछा है राइट टू इक्वलिटी में, तो ये ओनली 4 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 4। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पूछे वही क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1978। बता दूँ 1978 में मेनका गांधी वाला केस आया था, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने बनाया। देखिए, इसमें पूछा गया कि दीज राइट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन देयर एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो आर्टिकल 21 था, आर्टिकल 21, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, मतलब लॉ ने जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देंगे। ठीक, अब देखिए लॉ तो ख़राब भी हो सकता है ना, जैसे रॉलर एक्ट आया था, हमारा नहीं था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि कानून तो गलत भी बना सकती है ना जो सरकार है। अब रॉलर एक्ट में क्या था, नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधे जेल में डाल देते थे, हैबियस कॉर्पस ख़त्म कर दिया था। तो अगर फिर उसके बाद ये कह दे कि भैया एज प्रोसीजर बाय लॉ है, तो आप जो जुडिशरी है वो तो कहेगी भैया हम तो लॉ के हिसाब चलेंगे। तो इसमें ये यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा गया है, तो उससे समझने की कोशिश करिएगा कि दीज राइट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द एप्लीकेशन। नहीं, जब भी 21 आर्टिकल आएगा तो साथ में 14 आर्टिकल भी आएगा, साथ में 19 भी आएगा, ये सब अलग अलग नहीं चलते हैं, सब साथ साथ चलते हैं, सब सबका मतलब एक वो है, एक सब में म्यूचुअली इंक्लूसिव है। ये बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी बोली थी। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट तो हो गया भैया गलत। और फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पार्लियामेंट बाई लॉ कैन पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन
ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ दिस राइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं लगा सकते हैं इस तरीके, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे, गलत थे। ठीक, अब आगे पूछा गया है कि कौन सा जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, इन चारों में से कौन सा एक वो है जो पार्ट है। देखिए तहसीलदार भी नौकरशाही का पार्ट है, ब्यूरोक्रेसी का। ठीक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करी गई है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात नहीं करी गई। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही। ठीक, तो यहाँ पे सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है डीजीपी वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, तो बचा कौन, एक ही मंत्री साहब बचे जो जो कौन कहाँ के हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर के हैं, तो वो आ जाएंगे आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, और ऑप्शन हो जाएगा सही सी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसके ऑप्शन मैंने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या ये आपको सही लग रहा है, ये बताइए कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो डेरिवेटिव है रूल ऑफ लॉ का। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसके आगे जो है सेकेंड स्टेटमेंट है, ये मतलब ये बता रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है चेक करता है कि जो मनमानी हो रही है आर्बिट्रेरीनेस लेजिस्लेटिव की या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन की, तो जुडिशरी ये चेक करता ना कि कानून तो नहीं गलत बना दिया है इन लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना कर रहा हो, और अगर कानून ठीक भी बना तो क्या है? सरकार ऐसे कुछ एक्शन तो नहीं ले रही है कि कानून के मतलब बताते हुए कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं लेकिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे, दर्शन पे, मतलब फिलोसफी के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, तो जुडिशरी जो है ये चेक करता है। ठीक, और इसीलिए और ये फिर जुडिशियल रिव्यू जो है ये दिखाता है कि रूल ऑफ लॉ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे ये बताता है कि बोथ आर करेक्ट, और जो सेकंड है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है किसको, स्टेटमेंट वन को। इसमें एडेड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये मनमानी को जो है कानून में अगर हो रही है तो उसको कोई हो रही है तो उसको अलाउ नहीं करता है। दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, मतलब सभी लोग जो है समान है कानून के सामने, चाहे वो अंबानी हो चाहे कॉमन मैन हो। ठीक, और तीसरा है कि नो पनिशमेंट एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ ए लॉ, मतलब जब तक आप कानून को तोड़ोगे नहीं तब तक आपको जो है पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, और ये सब रूल ऑफ लॉ के मैं वो कंपोनेंट बता रहा हूँ। और उसके बाद जो चौथा ये है कि जो राइट एंड लिबर्टीज है वो लॉफुली प्रोटेक्टेड हैं, अधिकार और स्वतंत्रता कानूनी रूप से संरक्षित हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 30 का। अब देखिए यूनिट रेटी वाला क्वेश्चन फिर आ गया, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ बोल्ड किया मैंने, यूपीएससी नहीं करता है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान दें और सिली मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे पहली बात कर रहा है कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरेटरी के पास अपने लेजिस्लेचर हैं, क्या ये कथन आपको सही लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, इनकरेक्ट, ध्यान देते रहना, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अगला स्टेटमेंट है कि ल्यूटिनेंट गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डिनेंस वेयर एवर देयर इज ए यूटी विद लेजिस्लेचर, जहाँ पे भी अपना जो है लेजिस्लेचर है, विधायिका है किसी यूनियन टेरेटरी में, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सब जगह नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एक अपवाद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ पुद्दुचेरी के केस में, दिल्ली के केस में भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में बताया गया, 239, 239B में ऐसा बताया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक, अब इसके बाद अगला जो है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आपका हो गया, ओनली टू यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसमें देखिए ये कहा गया है कि आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें उसके अधीन है, मतलब किसके अधीन है, इन चारों में से ये पूछा गया है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी किसके अधीन है, बताइए किसके अधीन हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले बताया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, बल्कि आप ये सोच रहे होंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं बताया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था ना, बाद में जोड़ा गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ इसी बात होती है ना। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अब इंटरप्रेट करके उसने बता दिया कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, जिसमें ये होता है कि जो लॉ आपने बनाया वो सिर्फ ये नहीं कि जो लॉ बना दिया वही पत्थर की लकीर है, वही जिंदगी का सत्य है, वो ये भी देखता है कि भैया जो आपने लॉ बनाया है
वो फेयर, जस्ट और रैशनल होना चाहिए। मतलब वो अन्याय उन्याय ना करे किसी के साथ में, चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर 32। इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात पूछी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, तो मुझे लगता है क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में। तो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो इस फ्रेज को क्या ड्यूली डिफाइंड किया गया अंडर अंडर द लॉ? नहीं किया गया, किसी लॉ में भी नहीं किया गया भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में तो किया ही नहीं गया है। हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब इसकी जो है परिभाषित नहीं किया गया इसको। दूसरा जो है पूछा गया कि दोज वो होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बिकम मिनिस्टर अनलेस सच एन ऑफिस हैज एग्जेम्पशन अंडर द लॉ। बिल्कुल सही है ये, ठीक, सेकंड ऑप्शन सही है, और ऐसा हुआ भी था सोनिया गांधी जी के साथ में। ठीक है ना, तो ये इसमें ये होता है कि लेजिस्लेचर अगर ये कह दे, अलाउ कर दे कि ये वाला पर्टिकुलर कोई भी ऑफिस है, जैसे उस समय सोनिया गांधी जी को किया गया था कि नेशनल एनएसी जो था, एक एनएसी फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ, एनएसी का जो है प्रेसिडेंट जो होता था उस, इसको जो है कह दिया गया, पार्लियामेंट ने कह दिया कि इस पोस्ट को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो ये एग्जम्पशन है। तो फिर जो है इस प्रोसीड, वो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी रही, सरकार का हिस्सा बनी रही, मिनिस्टर भी बनी रही, और इसका प्रेसिडेंट भी बनी रही, तो इसको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिना गया, उनकी जो है एज ए एमपी और मिनिस्टरशिप सेव रही। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दुई वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं? 25 से लेके 28 तक। अब ये वाली चीज़ आपको पता है, और आपने विधिवत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से पढ़ रखा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन निकाल लेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉल नहीं करता है। बाकी जिसमें कहा गया है टू यूज़ ऑल सिंबल्स एंड रिचुअल्स ऑफ द रिलीजन, ये नहीं लिखा हुआ है, बाकी जो है तीनों यहाँ पे दे रखे हैं। आर्टिकल नंबर 25 और 26 आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया, जो कि ज़रूरी है आपको प्रोफेस प्रोपोगेट और जो है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, इस तो इसका ऑप्शन जो है सी हो गया, क्योंकि ये नहीं चलता है राइट टू फ्रीडम और रिलीजन के अंतर्गत। तो फिर अगला क्वेश्चन है आपका 34, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू रोहिंग्या रेफ्यूजी। अब इसमें ये चीज़ अगर आप इसको ऐसे ना पूछ के, अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल हैं और फॉरनर्स को नहीं है, अगर मैं ऐसे पूछता तो सबको रटा हुआ था और वो बता देते कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं कि आर्टिकल जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, कि वो राइट टू लाइफ भी उनके पास है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, राइट टू इक्वलिटी भी उनके पास है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर, तो वो राइट टू गेट एडमिटेड देयर चिल्ड्रेन इन द गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ये भी राइट इनके पास है आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत, लेकिन राइट टू फॉर्म रिफ्यूजी एसोसिएशन वाली इनके पास राइट नहीं है, जो कि मैंशन है किसमें? अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया कि विद रेफरेंस टू वेरियस जजमेंट जो दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट, कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट पे, और ये बताओ कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कार्यपालिका के साथ दया याचिका की वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा के विलंबित निष्पादन से व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न हुआ था कि इसमें कहा जा रहा था, चलिए बताता हूँ। पहले तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी वो जो है सही है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है, और दूसरा बताता हूँ कि जो दूसरा स्टेटमेंट है दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका सी। देखिए, शत्रुघ्न चौहान करके केस हुआ था 2014 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो एग्जीक्यूशन हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह मान लीजिए किसी को कह दिया कि भाई फांसी दे दी उसको, ठीक, अब उसमें क्या होता है कि वो फांसी देने के बाद जो है वो जिसको फांसी दी गई वो मर्सी पटिशन फाइल करता है। अभी आपने देखा ही होगा कि ये जो निर्भया कांड के जो दोषी थे, इन्होंने कितनी बार मर्सी प्ली करी,
तो सत्रहन चौहान वाले केस में कहा कि मैंने अगर जो विक्टिम मतलब जो जिसको सज़ा दे दी गई है फांसी वाली उसने मर्सी पटिशन करी, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको लटकाए रहो मर्सी पटिशन में, आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो और रोज़ बेचारे का जो है दम घुट रहा है, रोज़ उसको मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो अगर इस तरीके का आप कोई काम करते हो, एग्जीक्यूटिव करता है मतलब सरकार ऐसा कोई काम करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो दिखाया गया जो बताया गया कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 74 में। तो अगर आप ऐसा करते हो कि मर्सी प्ली पे आप जवाब ही नहीं दे रहे हो और उसको बहुत मिलिट्री टॉर्चर हो रहा है, तो हम डेथ सेंटेंस को बदल के जो है कम्यूट करके उसको लाइफ सेंटेंस दे देंगे, ठीक है ना। तो ये बात कहता है, तो इस तरीके से। और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि भाई आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन भी है, उसके खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना राइट कि मतलब इस तरीके का अगर किसी को बना दिया तो आर्टिकल इसमें जो है ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से जो राइट है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, वो किस किस उसको सब्जेक्ट से, मतलब कब 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 जो है प्रैक्टिस रिलीजन को प्रैक्टिस करने से हमको रोका जा सकता है, किस किस कारणों से रोका सकता है, पूछा गया है कि करेक्ट बताओ। तो इसमें जो है 36वें वाले में ये चारों ही है, पब्लिक ऑर्डर पे भी है, मतलब प्रैक्टिस रिलीजन के इस तरीके से मत करो कि आप लॉ पब्लिक ऑर्डर को खराब कर दो। पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि कोई एक समुदाय के लोग जो है किसी दूसरे समुदाय जिससे उसकी बनती नहीं है वहाँ पे जाके जो है उल्टे सीधे काम करने लगे जो दूसरे समुदाय को पसंद नहीं है, तो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएंगी ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस मत करो कि रिलीजन को, कि जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए, ठीक। दूसरा जो है हेल्थ के लिए, तीसरा जो है मोरालिटी के लिए, मतलब आप ऐसा भी ना करो प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन कि जो है जो समाज में जो भी कस्टम्स और उसको जो मान्यता दी गई है कि क्या सही है क्या गलत है, मोरालिटी का मतलब यही होता है। एथिक्स पेपर जीएस पेपर 4 में आप देखेंगे यूपीएससी वाले, तो उसमें आप मोरालिटी का मतलब ये होता है कि समाज द्वारा जो है क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं इंडिविजुअल को जो बताया गया, तो इंडिविजुअल को एक्शन क्यों जो है इस हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं कि समाज उसको जो है सही कहता है कि गलत कहता है। तो आपको जो है कोई भी प्रैक्टिस और रिलीजन इस तरीके से नहीं करना है जो इमोरल हो, ठीक है ना। तो और जो अदर प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट की जो अदर प्रोविजंस हैं उसको भी देखते हुए आपको जो है प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट करना है अपने रिलीजन को, ठीक है ना। ये आर्टिकल नंबर 25 में दे रखा है, 25 के फर्स्ट क्लॉज में। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें जो स्टेटमेंट चारों ही हैं, तो और चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ दे रखे 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है अपना 37 मतलब 31 37 सॉरी। तो इसमें भी पूछा कि कौन सी कौन ये रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पे, मतलब फंडामेंटल राइट्स पे इतने क्वेश्चन हो गए हैं आपके, कितना ज़्यादा रिवीजन हो गया आपका। अब क्वेश्चन आएगा इसमें तो कुछ सही कर लोगे ना, बताओ येस और नो, और नहीं कर सकते हो तो बताओ फिर डाउट क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन कौन सी जो है रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पे, तो क्या पहला 31C रिस्ट्रिक्शन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 31C जो है आपका आर्टिकल नंबर 39B एंड सी, ये जो DPSP के हैं इनको जो है फंडामेंटल राइट के ऊपर मानता है, कौन कौन से, 14 और 19 के, ठीक। उसके बाद दूसरा है कि आर्टिकल नंबर जो 19 का सब क्लॉज 2 है मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये भी तो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, ये भी होगा। फिर उसके बाद बताइए कि फंडामेंटल ये जो पार्ट 4 है मतलब DPSP जो है मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो जो हैं, तो क्या ये भी रिस्ट्रिक्शन है क्या फंडामेंटल राइट पे, बताइए है कि नहीं है? नहीं है, ये नहीं है। DPSP पूरा थोड़ी ना फंडामेंटल राइट को जो है रिस्ट्रिक्शन की तरह ले मतलब बना रहता है उसके ऊपर, वो तो एक ये आर्टिकल है जो कि बढ़ावा देता है 39B और C को, ठीक। और उसके बाद जो है कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है, कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या ये भी आपका उसमें आता है क्या, रिस्ट्रिक्शन है क्या आपका, ये बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, उसको हम ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, तो इसलिए जो है कलेक्टिव इंटरेस्ट भी एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो इसमें इसकी वजह से पहला दूसरा और चौथा हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया सही। अब अगला क्वेश्चन है 38, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ए पर्सन कैन मूव डायरेक्टली टू,
इसमें से तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पर्सन कोई आदमी डायरेक्टली जा सकता है इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्ट फोर, मतलब राज्य की नीति निर्देशकता तो या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर नहीं गवर्नमेंट पूरा करती है ऑब्जेक्टिव्स को, तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोई पर्सन जो है डायरेक्टली जा सकता है, बताइए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है। ऐसा इंस्टीट्यूशन कोई है ही नहीं, क्योंकि जो DPSP है वो इन्फोर्सिएबल है ही नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट है ना, अगर उसका फंडामेंटल राइट किसी का उल्लंघन होता है तो वो सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32, ठीक, और या फिर हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226, ठीक। लेकिन जो है DPSP में ऐसा कुछ नहीं है। DPSP एक तरीके से डायरेक्शन है कि सरकार के पास में जो है जब इतना फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी या फिर दूसरे रिसोर्सेज जब होंगे तो वो इस डायरेक्शन में जो है कायम करेगा। तो एक तरीके से ये गाइडलाइन है उनके लिए, ठीक है ना। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसलिए बोला ही जाता है। तो इसमें से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3939, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इस जो इस संविधान के भाग चार में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, कौन से उल्लेख नहीं किया गया पार्ट। अब ये DPSP के क्वेश्चन आने लगे, आप समझ रहे ना, DPSP पे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं। तो कितना सब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके यहाँ पे कवर जो हो जा रहे हैं, और विद एक्सप्लेनेशन आसान भाषा में आसान एग्जाम्पल के साथ में आपको यहाँ पे कराने की कोशिश में कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर भी करिए, ठीक। तो पार्ट इसमें पूछा कि कौन कौन सा मेंशन नहीं है पार्ट फोर में यानी DPSP में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें जो है कौन सा मेंशन नहीं है, देखिए इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है कि मेंशन है कि नहीं है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक। सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। आर्टिकल कौन से बताया था बताइए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ये नहीं है, ये किस में है, आर्टिकल नंबर 23 में भी है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी आ चुका है, UPSC में पूछा था, ठीक। और फ्री लीगल एड तो दे रखा है आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर कौन सा 39A में फ्री लीगल एड, ठीक। तो और जो ये वाली चीज़ थी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल नंबर किस में है 39 में, देखिएगा डी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो बी वाला है ये सोशल जस्टिस वाला, ये किसमें मैंने आपको पहले बताया था, चलिए बता देता हूँ 38 आर्टिकल में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब खाली 11 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक। 40 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि कौन से प्रिंसिपल इनिशिएटेड है, मतलब संविधान के भाग चार में वर्णित सिद्धांत विशेष रूप से तैयार करने का आधार प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं कौन कौन से, मतलब एनन्सिएटेड पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर फ्रेमिंग, क्या चीज़ को फ्रेम करते हैं कौन और या फिर क्या चीज़ नहीं करते हैं। तो आप यहाँ देख लो करेक्ट पूछा गया है, सोशल सिक्योरिटी को क्या फ्रेम करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, बिल्कुल की जाती है। क्या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को फ्रेम करने की कोशिश की जाती है, अरे नहीं भैया, नेशनल सिक्योरिटी बात तो ना हो रही है यहाँ पे DPSP में। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाती है कि नहीं की जाती, बिल्कुल की जाती है। आर्टिकल नंबर कौन सा है 51, पॉलिसी फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की आती कि नहीं आती, बिल्कुल की आती है। आर्टिकल कौन सा 40, जिसमें क्या बात करी गई है, पंचायत बनाने की बात करी गई है, जिसको बाद में 73वें संशोधन के बाद, संविधान के संशोधन के बाद जो कि हुआ था 92-93 में, तो उसके बाद से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया और थर्ड टीयर ऑफ हमारा संघ का फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया गया, ठीक। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो नहीं है DPSP के अंदर, ठीक। बाकी हैं सोशल सिक्योरिटी, तो आप कई सारे आर्टिकल हैं, मतलब आर्टिकल नंबर 38 है, आर्टिकल नंबर 39 है, आर्टिकल 41, 42, 46, इन सब में है, ठीक। और इन इसका मैंने बता दिया फॉरेन पॉलिसी का 51 और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये जो है आपका 40। अगला क्वेश्चन है आपका 41वां, इसमें पूछा गया है कि अभी रिसेंट करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन बनाया मैंने, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था ना अभी कि 377 को के लिए, ठीक, कौन सा कुछ ये केस था, जरा इसका नाम आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। क्या नवते जौहर था क्या, कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक। तो इसमें 41वें वाले में पूछा गया क्वेश्चन में कि जो सेक्शन 73-77 है IPC का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है,
उसमें क्या पहला स्टेटमेंट कहता है कि जजमेंट ये दिया है कि जो पूरा सेक्शन 377 है ना आईपीसी का, उसको पूरे को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। क्या ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर कंसेंसुअल सेक्स हो रहा है तो वो जो है वो सही है, लेकिन अगर कंसेंसुअल सेक्स नहीं है, नॉन कंसेंसुअल, तो जो है ये गलत है, ठीक है ना? तो वो अभी भी जो है 370 के अंदर जो है माना जाएगा वो पनिशमेंट के लायक होगा। ठीक उसी तरीके से किसी माइनर के साथ आप कुछ कर रहे हो या फिर किसी जानवर के साथ में उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हो, तो वो भी सेक्शन 370 के अंतर्गत आएगा और आपको पनिशमेंट दिया सकता है, तो वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर कहीं कंसेंशुअल हो रहा है सेक्स, तो वहाँ पे जो है आपका ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। अगला स्टेटमेंट कहता है, इन इस जजमेंट में कोर्ट ने कौन कौन से आर्टिकल को इन्वोक किया था, यूज में लाए थे, 14, 19, 1A और आर्टिकल नंबर 21। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है ना? तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसका नाम है 42, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज वॉयलेशन ऑफ। क्या ये इन सब का वॉयलेशन है क्या? बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 19, 1 और जी है, इन सबको पढ़िएगा बेर एक्ट से आपने लोग निकाल के, और 21, 21वें बता रहे हैं, 21st आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, उसमें भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करी गई। तो व्यूमन सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ व्यूमन अगर वर्क प्लेस पे हो रहा है, तो ये भी मौलिक अधिकार 21 के अंतर्गत जो है यहाँ पे वॉयलेशन है। ठीक उसी तरीके से डीपीएसपी में क्या इसका भी वॉयलेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अगर आप आर्टिकल नंबर देखेंगे 39E, आर्टिकल नंबर कौन सा देखेंगे, 39E, और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 46। ठीक, ये आर्टिकल जो है बाय वर्ड टू बाय वर्ड जो है आप लोग को पढ़ने हैं बेयर एक्ट से। एक मतलब एंड्रॉयड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक एप्लीकेशन भी है, उसको डाउनलोड कर लिए, जब भी जहाँ मौका लगे मिले तो पढ़ लिया करिए। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की का वॉयलेशन भी है क्या ये? हाँ बिल्कुल है। अगर आप आर्टिकल नंबर देखेंगे 51A और सब क्लॉज ई में, ठीक, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वीमन। हमें उस तरीके की कोई भी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे महिलाओं का जो है अपमान हो। ठीक, और उसके बाद आता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है जिसको इंडिया ने साइन किया है, पार्टी है उसका, क्या उसका वायलेशन हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। एक होता है CEDAW, सेडो होता है, सेडो, इसको इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट व्यूमन, ठीक है ना? तो इसका भी जो है उल्लंघन हो रहा है। ये कब आया था सीडो? आया था आपका 1979 में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने समझाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा हो गया होगा वीडियो, लेकिन पूरा देख लेंगे तो आपका रिवीजन बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है, द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ऑलवेज हैव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज हिम। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड है, जो भी काउंसिल मिनिस्टर, मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल नंबर कौन से में, 74वें में जो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड है क्या प्रेसिडेंट, ये बताइए। इसमें करेक्ट पूछा गया, हाँ बिल्कुल है, सही बात है। और इसमें अगला स्टेटमेंट कहता है कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, वो सारी की सारी मेंशन कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, मतलब संविधान में लिखी गई हैं। क्या ये सही हो सकता है? जब भी इस तरीके के एब्सोल्यूट वर्ड्स हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि जो है 95% ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 होगी गलत, तो और ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 ओनली, ठीक, ए वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 44, इसमें एक आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ बीन इंट्रस्टेड टू द पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य संसद द्वारा संविधान को सौंपा गया है। ठीक, टू द मतलब संविधान ने कौन सा जो है संसद को सौंपा है, तो ये है लेजिस्लेटिव फंक्शन। हाँ बिल्कुल है भाई, इसके बिना तो मतलब ये तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस है। ठीक, उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल ना एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल, बजट जो है जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता तब तक कंसोलिडेटेड फंड से जो है कोई भी एक चवन्नी तक नहीं निकल लिया सकती। ठीक, उसी तरीके से क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी है। अब ये जो है ना, इस पर कई लोग को वो होता है, डाउट होता है कि अर्थ न्यायिक कार्य क्या है सर,
ये वो वाले कार्य हैं जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, ठीक, आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर जो है हाई कोर्ट के जज हो गए, CAG का रिमूवल हो, CEC का रिमूवल, तो पार्लियामेंट में क्या होता है इनके लिए कमिटी बनाई जाती है, फिर एक हाउस से पास होता है वाला मोशन, फिर दूसरे में हाउस में जाता है वहाँ मोशन पास होता है, तब फिर उसके और अलग अलग मेजोरिटी लगती है तब होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी पार्लियामेंट करता है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना, हाँ बिल्कुल दिया है। फिर अगला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द RBI, नहीं 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 ये गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 45वां आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टर्स आर कॉमन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्वेश्चन पहले बना चुका है UPSC कई बार, तो उससे थोड़ा सा हटके मैंने बनाया कि कौन से ऐसे इलेक्टर हैं जो मतलब मतदाता कौन से ऐसे हैं जो कि आपके प्रेसिडेंट में भी मतलब मतदान करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी मतदान करते हैं, तो ये आपके कौन से होंगे, इस चारों ऑप्शन बताइए। इसमें होंगे आपके ए, मतलब इलेक्टेड MPs जो होंगे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब वो चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, वो दोनों ही जो है ये दोनों ही चुनाव करते हैं, आपका प्रेसिडेंट का भी वाइस प्रेसिडेंट का, एक कॉमन वोटर्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट समझ लेते हैं, इसमें तो देखिए इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं आपको लोकसभा से हो गए, इलेक्टेड मेंबर्स आपके लोकसभा से हो गए, तो मतलब दो नामित जो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन वो नहीं होंगे, ठीक। दूसरा इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा से हो गए, तो मतलब इसमें जो 12 होते हैं नॉमिनेटेड नामित जो हैं वो नहीं होंगे, ठीक। उसी तरीके से इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर्स आपके MLAs होंगे, ठीक, और जो है MLA आपके उन यूनियन टेरिटरीज से होंगे जहाँ पे आपका लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली है पुडुचेरी है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया था ए। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है कि विच ऑफ द फंक्शनरीज जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये कौन कौन से फंक्शनरीज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो इससे पहले वाला मैंने आपको समझाया था, अगर वो आपने ध्यान से समझा और समझ लिया है तो फिर इसका ऑप्शन आप सही मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इलेक्शन के प्रेसिडेंट के में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आएगा, क्योंकि हाँ आएगा क्योंकि वो भी MP है, ठीक, इलेक्टेड MP है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि वो भी MP है, क्योंकि यहाँ पे कैन लिखा हुआ ना, कैन पार्टिसिपेट कर सकता है, हाँ डिप्टी चेयरमैन जो है वो इलेक्टेड MP तो है ही है ना राज्यसभा का, हो सकता है ना, प्रोटेम स्पीकर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था यूनियन टेरिटरी में जहाँ पर लेजिस्लेचर है वहाँ के MLA भी जो है इलेक्टेड हैं तो वो वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैन लगा हुआ तो इसलिए ये हो गए, इसलिए ज़्यादा सोचे नहीं, कैन वाले में ये पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए जो है इलेक्टोरल कॉलेज में ये लोग जो है वोट कर सकते हैं, किसके चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फोरम नहीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है बताइए सोच के। आर्टिकल नंबर 74 में दिया हुआ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस मतलब लोकसभा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन वो है, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत आसान है ये, आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 74 नहीं, आर्टिकल नंबर 74 नहीं, आर्टिकल नंबर 75 आएगा यहाँ पे, ठीक, ये वाला आएगा आर्टिकल नंबर 75 जो कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, मतलब टुगेदर दे स्विम टुगेदर दे सिंक, मतलब एक साथ कोई भी मिनिस्टर कोई प्रस्ताव लेके आए, अगर वो अगर वहाँ से पास नहीं हो पाता है पार्लियामेंट से लोकसभा से सॉरी, तो भी जो है गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 48, इसमें पूछा गया जो ऑल द रूल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फ्रेम्ड बाय प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि द प्रेसिडेंट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑडियंस इन द पार्लियामेंट, क्या ये सही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या इनको, नहीं ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन जो है हाँ ये भी सही है, इनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इनको जो है आपको आपका जो है ये पार्लियामेंट में आ सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना मोशन ऑफ थैंक्स, आर्टिकल नंबर 87 पढ़िए, इसमें आपको मिल जाएगा मोशन ऑफ थैंक्स, इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके हर बार
जब भी कोई नई सरकार बने तो उसके बाद जो नया पहला सेशन होगा उसको जो है दोनों सरकारों को बुला के, दोनों हाउसेस को बुला के, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को बुला के जो है एक साथ संबोधित करते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए पार्लियामेंट जो है उसके तीन पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। इसलिए जो है प्रेसिडेंट जो है आके यहाँ पे दोनों लोग को संबोधित एक साथ करते हैं। और जब भी किसी फाइनेंशियल मतलब ईयर में नया जो पहला सेशन होता है उसको भी संबोधित करते हैं कौन, आपके प्रेसिडेंट। अच्छा, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने से पहले क्या था, जब संविधान बना था तब ये था कि जब भी मतलब साल में तीन होते हैं ना आपके सेशन, एक होता है बजट सेशन, फिर होता है मानसून सेशन, फिर होता है विंटर सेशन। तो पहले ये था, पहले संशोधन होने से पहले, कि तीनों ही सेशन में हर सेशन में जो है प्रेसिडेंट आएंगे और पहले मोशन ऑफ थैंक्स बोलेंगे। लेकिन अब सिर्फ जो है पहले जब नई सरकार बनी हो उसके बाद जो पहला सेशन हो तब आप वो आके मोशन ऑफ थैंक्स करते हैं, और या फिर जो नया साल हो उसमें जो पहला सेशन बैठेगा पार्लियामेंट का उसको जो है साथ में बुला के ज्वाइंट सिटिंग करते हुए 108, उसके 108 आर्टिकल के अंतर्गत फिर जो है मोशन ऑफ थैंक्स को ये करते हैं। और मोशन ऑफ थैंक्स का जो है ये एक तरीके रिजोल्यूशन मोशन होता है, इसको पास होना जरूरी है पार्लियामेंट से, अदरवाइज जो है इसको जो है सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है, मतलब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म माना जाता है। क्योंकि प्रेसिडेंट जाके जो इसमें बातें करते हैं वो ज़्यादातर बातें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की ही आके करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया 49। इस क्वेश्चन में आप देखिए ये पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द कैबिनेट एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट इज सिक्योर्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन जो कैबिनेट जो भी एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को उसको जो है कोर्ट में पूछ नहीं आ सकता क्या आपने एडवाइस दी थी, या ये एडवाइस क्यों दी, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट ने ये कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट कैन लुक इन टू द रेलिवेंस ऑफ मटेरियल की जो कि यूज़ किया गया था इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवाइस। आपने क्या एडवाइस दी उस पर तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन आपने उस एडवाइस करने के लिए कौन सा कोई डेटा उठाया था, कौन सा आपने क्या क्या फैक्ट्स उठाए थे, या फिर कौन से आपने मटेरियल यूज़ किए थे ये डिसीजन पे पहुंचने के लिए, एडवाइस देने के लिए, उसको जो है उसको देख सकता है वो, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इसलिए 19वें का जो ऑप्शन जो है करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और आखिरी में हम आ जाते हैं अपने प्यारे से 50वें क्वेश्चन पे, जिसमें ये पूछा गया है कि वो ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। अब आपको पता होना चाहिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 112 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पे भी चाहे बजट हो चाहे बही खाता हो, जैसा कि अभी बोला गया था अभी लास्ट बजट में बही खाता, ठीक, ये कहीं पे मेंशन नहीं है, वहाँ पे मेंशन है संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112 के अंतर्गत। और ये जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनली किसकी है, प्रेसिडेंट की, आर्टिकल नंबर, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इसको जो है वो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से जो है हमारा ये पहले टेस्ट जो हुआ था पॉलिटी का वो हो गया है। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, 70 दिन की स्ट्रेटजी चल रही है, पूरा टाइम प्लान स्टडी प्लान उसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। टेस्ट जो है विधिवत अभी होंगे, 9 टेस्ट अभी होंगे फुल लेंथ के, मतलब 100 क्वेश्चन के, और आखिरी के 8 दिनों में जो है आपका महा रिवीजन कराया जाएगा, बिल्कुल प्रायोरिटाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है आप लोग उसको ज्वाइन करके प्रीलिम्स 2020 जो UPSC का होने वाला है उसको क्लियर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप कॉल करके कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए।